Right now I'm in Orenburg State Medical University, and with us we have a student of Orenburg State Medical University, Mr. Vijay from Rajasthan, fifth year student of particular university. तो विजय आपने जब एडमिशन लिया आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कैसे आपका एडमिशन यहाँ हुआ, आज आपको कैसा लग रहा है यूनिवर्सिटी में आके? मैंने जैसे ट्वेल्थ पास करी अपनी, उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया। मैसेज आते ही मैंने मैसेज के थ्रू एक सेमिनार अटेंड किया जयपुर में। जयपुर सेमिनार अटेंड करके वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने वहाँ के काउंसलरों से बात करी, उन्होंने हमारी फुल हेल्प करी पासपोर्ट बनाने के लिए, वीज़ा के लिए और एडमिशन लेटर के लिए, और उन्होंने हमें कुछ कॉलेजों के ऑप्शन दिए जो रशिया की बेस्ट कॉलेजेस है। वहाँ से फिर हमने ओरेनबर्ग को चूज़ किया, उसके बाद हमारा एडमिशन यहाँ हो। तो विजय, जब आप यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, मतलब कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई होती है? लैंग्वेज तो वैसे रशियन है, बट हमारी जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है, क्योंकि रशियन लैंग्वेज ये है कि सब आप कहीं भी जाओ इंडिया में, तो भी अगर कहीं दूसरी स्टेट से करोगे तो लोकल लैंग्वेज तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है रशियन लैंग्वेज, जो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, जो बेसिकली सब जगह यही होता है कि हाँ, तो अब लोकल किसी भी जगह जाओगे तो वहाँ बेसिक लैंग्वेज तो होती है। तो रशियन लैंग्वेज पढ़ने, जब आपने स्टार्ट किया रशियन लैंग्वेज पढ़ना, कितने टाइम में आपको लैंग्वेज आ गई? एक साल में आपको पूरा अच्छे से लैंग्वेज आ गई। ओके, तो कितने ईयर का ड्यूरेशन है पूरा जो कोर्स है आपका, कितने साल का है? 6 साल का है, 5.5 है सर, अभी 5.5 साल। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में स्टे कर रहे हैं जी? यूनिवर्सिटी का हॉस्टल अकेडमी से कितना दूर है? ज़्यादा दूर नहीं, कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है, बिल्कुल दूर नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इंडियन स्टूडेंट को जो हर साल मेहनत करते हैं ARPM की जैसे एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए, फिर भी उनको एडमिशन नहीं मिलता, तो आप क्या स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को, क्या मैसेज देंगे कि वो यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट करें? देखो, इंडिया में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, वहाँ पर नंबर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप ये अपना टाइम वेस्ट ना करके रशिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। वहाँ बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है, टोटली इंग्लिश मीडियम है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे सब हेल्पफुल है, टीचर सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, टीचर भी बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं, बाकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। थैंक यू विजय, थैंक्स फॉर द फीडबैक। आई होप आपने जो मैसेज स्टूडेंट को दिया है उससे उनको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि इंडिया में स्टूडेंट्स के पास सीट नहीं है, तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, उसके लिए भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं, 2-3 साल लगाते हैं, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडियन स्टूडेंट कि वो यहाँ औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आए और यहाँ से आके अपना MBBS कम्प्लीट करे। रशियन लैंग्वेज को जो उन्होंने बताया कि रशियन लैंग्वेज का कोर्स है, बट एक साल में उन्होंने अच्छे से रशियन लैंग्वेज सीख ली है, तो वो भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो आई होप इससे स्टूडेंट्स को समझ आएगा कि औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में आके वो पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू जी।